टी राजा को जान से मारने की धमकी मिली है, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त। कांग्रेस नेता फरीन ने दी है हत्या की धमकी। टी राजा को कांग्रेस नेता फरीन ने हत्या की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी मिली है। गाली गलौज पर उतरी है कांग्रेस नेता फरीन और जान से मारने की धमकी दी गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त टी राजा को लेकर, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस के नेता हैं फरीन, उन्होंने हत्या की धमकी दे डाली है टी राजा को। टी राजा को जान से मारने की धमकी दी गई है कांग्रेस नेता आयशा फरीन ने। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी दी है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। ओपन चैलेंज करती हूं, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समय तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट टू निकालने का सोचना नहीं जो अब निकाल के। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा खर्च करूंगी कि तू खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचान। ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समय तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट टू निकालने का सोचना नहीं जो अब निकाल के। बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा खर्च करूंगी कि तू खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचान। आयशा फरीन ने किस तरीके से खुली चुनौती दी है, ये वीडियो जारी किया, धमकाया गया आयशा द्वारा, कांग्रेस नेता आयशा फरीन को आप सुन रहे हैं। जी न्यूज आपको वीडियो भी दिखा रहा है, टी राजा सिंह को कैसे धमकाया गया है। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी दी आयशा फरीन द्वारा, सुनिए जरा। ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समय तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट टू निकालने का सोचना नहीं जो अब निकाल के। बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा खर्च करूंगी कि तू खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचान। तो आयशा ने एक वीडियो जारी किया है, आयशा फरहीन को आप सुन रहे हैं लगातार, एक वीडियो जारी कर आयशा द्वारा बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। टीआरएस गवर्नमेंट क्यों खामोश बैठी हुई है, क्यों मुंह को टेप लगा के बैठी हुई है, क्यों चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्यों? टीआरएस गवर्नमेंट को भी पसंद है क्या शहर का माहौल खराब होना बोल के, शहर में माहौल खराब हो जाना बोल के? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि टीआरएस गवर्नमेंट को राजा सिंह को जल्द से जल्द उसके ऊपर पीडीएफ डालो और फास्ट ट्रैक में डालो। तो आयशा ने ये जो वीडियो जारी किया है, टी राजा को धमकाया गया है, गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कांग्रेस नेता हैं ये आयशा फरीन, हत्या की धमकी दे रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को खुलकर ये चुनौती दी है अपने आपत्तिजनक बयान के माध्यम से, एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में खुलकर चुनौती दी है, धमकाया गया है, आपत्तिजनक बयान दिया है, आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को, और इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं है, टी राजा को मारने का जो ऐलान किया गया है आयशा फरहीन द्वारा धमकाकर, इससे पहले भी धमकियां दी जा चुकी है। हम आपको सुनवा रहे हैं लगातार, आयशा फरहीन ने खुलकर चुनौती दी है अपने आपत्तिजनक बयान को जारी कर, उस वीडियो को जारी कर जिसमें कह रही है कि बख्शूंगी नहीं, खुलकर चुनौती देती हूं जान से मारने की। अगर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से उसको फिर से बेल मिलती है 15 दिन में अगर छूटता है तो समझ लो अब जो हालात हुए इससे भयंकर हालात होंगे तेलंगाना की गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट को बोल रहा हूं मैं, इससे भयंकर हालात होंगे। और मुसलमान को कंट्रोल, तुम तो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकते मुसलमान को कंट्रोल, क्योंकि मुसलमान नबी के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करेंगे उसको जो बल्लिया वाले पकड़े जो पिंजरे में डाल दिया ना वहीं रहने दो, अगर तुम छुड़ाएंगे तो वो शमशान चले आएंगे, अगर वो शमशान चले आएंगे तो इसमें गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट की गलती रहेंगी। वो
मैं मेरे नबी के लिए इरेक, देखो ये एक हफ्ते से पैसा उठा के रखा हूँ मैं, एक हफ्ते से। अगर कोई भी इसको मार डाला तो मैं तब से उसको इनाम दूंगा। अगर कोई वकील, मुसलमान वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके खिलाफ जाएगा तो मैं इसको ये मेरी तरफ से दूंगा। और इंशाल्लाह और भी जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर का सामान बेच के उसको दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसको फिर से बेल मिलती है महीने 15 दिन में अगर छूटता है तो समझ लो अब जो हालात हुए इससे भयंकर हालात होंगे तेलंगाना की गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ मैं, इससे भयंकर हालात होंगे। और मुसलमान को कंट्रोल, तुम तो तुम्हारा बाप भी नहीं करते भी मुसलमान को कंट्रोल, क्योंकि मुसलमान नबी के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करेंगे इसको जो बल्लिया वाले पकड़े जो पिंजरे में डाल दिया ना वहीं रहने दो, अगर तुम छुड़ाएंगे तो वो शमशान चले आएंगे। अगर वो शमशान चले आएंगे तो इसमें गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट की गलती रहेंगी वो। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।